अबे क्या करूं, मतलब इतना लेट हो चुका हूं। तो दोस्तों, जैसे कि आपने अभी एक क्लिप देखा जिसमें एक बाइक जाकर एक झील में गिर जाती है और बाइक पूरी की पूरी सबमर्ज हो जाती है, मतलब पूरी की पूरी बढ़िया तरीके से बाइक डूब जाती है। ऐसा बात नहीं है कि वो पार्शियली सबमर्ज है या फिर कुछ पार्ट उसका बाहर है, बाइक पूरी की पूरी यहाँ पर पानी के अंदर डूब जाती है। तो दोस्तों, इसके लिए इस वीडियो हम बात करवा रहे हैं कि अगर कोई भी बाइक पानी के अंदर पूरी तरीके से सबमर्ज हो जाती है तो यहाँ पर क्या हमें देखने को मिलता है, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, बाइक में क्या क्या दिक्कतें आएंगी। उसी के साथ साथ अगर कभी हमारे बाइक के साथ या फिर आपके हमारे बाइक के साथ ऐसा कभी कुछ होता है तो ऐसे सिचुएशंस में हमें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम लगाकर वीडियो को शुरू करता है, अगर चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करना। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम लगाकर वीडियो को शुरू करता है, मैं आशीष, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आप सबसे पहले एक फैक्ट के बारे में जानते हैं कि पानी में अगर आपको कोई भी सामान गिरता है, चाहे अगर आप मोस्टली देखें कि कई सारे लोगों का फोन गिर जाता है पानी में, तो दोस्तों यहाँ पर जो आपको आउटकम उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस देखने के लिए मिलते हैं वो हमेशा सेम नहीं निकलता है। आप अगर देखते हैं किसी का फोन गिर जाता है तो कभी कभी किसी का टचपैड काम करना बंद कर देता है, किसी का स्पीकर काम नहीं करता है, या फिर किसी का माइक्रोफोन वगैरह काम नहीं करता, या फिर टच कीपैड वाला फोन हुआ तो आप वहाँ पर कीपैड ढंग से काम नहीं करता है। ऐसे ऐसे अलग अलग प्रॉब्लम्स देखे जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको क्लियरली यही बताना चाहता हूँ कि इस यहाँ पर मैं आपको जो भी पॉइंट्स बताने वाला हूँ कि ये अगर आपको प्रॉब्लम देखने के मिलते हैं तो यहाँ पर 100% ऐसा कुछ भी नहीं है कि बस यही देखने को मिलेंगे, आपको इसके बियॉन्ड भी कुछ प्रॉब्लम देखने को मिल सकते हैं या फिर इसके अंदर भी कुछ देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर 100% कभी भी नहीं रहता कि बाइक या फिर कोई भी चीज़ पानी के अंदर जाता है तो एग्जैक्टली उसके अंदर क्या प्रॉब्लम आता है, ये दोस्तों गिरने के बाद ही पता चलता है। जब आप बाहर बाइक को बाहर निकालते हैं या फिर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को बाहर निकालते हैं, उसे देखते परखते हैं, तभी आपको एग्जैक्टली पता चलता है कि यहाँ पर क्या क्या हमें डैमेजेस देखने के लिए मिले हैं। तो दोस्तों, अगर बाइक जब पानी में गिरती है तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इफेक्टेड पार्ट होता है वो होता है उसका इंजन। बिकॉज अगर हम दूसरे किसी पार्ट के बारे में बात किया, जैसे आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर हुआ या फिर बाइक की बॉडी हुई, हेडलाइट वगैरह हुआ, तो ये सब उतने ज़्यादा डैमेज नहीं होते, बिकॉज ये इन सभी को डील किया जाता है, इन सभी को खोला जा सकता है, इन सभी से पानी निकाला जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के पार्ट्स होते हैं या फिर प्लास्टिक वगैरह होते हैं, इन सभी पर कुछ खास असर नहीं पड़ता। लेकिन अगर इंजन की बात की जाए तो बहुत ही एक डेडिकेटेड मशीन होता है, एक इंजन को बहुत सारे उसके अंदर कंपोनेंट्स होते हैं और बहुत ही उसे केयरफुली हैंडल किया जाता है। जाहिर सा बताएगा, अगर बाइक पानी के अंदर जाती है तो आप जो सबसे ज्यादा डैमेज पार्ट हमें देखने को मिलता है, सबसे ज्यादा जिस पार्ट पे नुकसान होता है वो होता है बाइक का इंजन। तो दोस्तों, यहाँ पर जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि बाइक जैसे पानी के अंदर जाती है तो बाइक के इंजन में जगह जगह से पानी घुस जाता है। दोस्तों, किस किस जगह से पानी यहाँ पर घुस सकते हैं, तो सबसे जो पहला और सबसे मीन्स मेन पॉइंट होता है वो होता है दोस्तों एग्जॉस्ट के वजह से, एग्जॉस्ट के पाइप की वजह से सबसे ज़्यादा पानी घुसता है। और ये भी ज़रूरी नहीं कि जब बाइक सबमर्ज होती है तब भी, अगर कई बार होता है ऐसा सिचुएशन कि पानी बहुत ज़्यादा भर जाता है रोड पर, तो आप वैसे टाइम में भी देखें कि एग्जॉस्ट में पानी घुसने की वजह से गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। और दोस्तों, यही केस होता है जब बाइक ऐसे किसी झील वगैरह में गिर जाती है तो वहाँ पर भी आपको यही प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि एग्जॉस्ट में पानी घुस जाता है, जो कि पानी आपके इंजन तक भी जा सकता है। और दोस्तों, अगर वैसे कंडीशन में अगर आप बाइक को बहुत ज़्यादा स्टार्ट करने के लिए कोशिश करते हैं तो जाहिर सा बात है कि यहाँ पर पानी आपके पिस्टन से बहुत ज़्यादा बढ़िया तरीके से जाकर इंजन को सीज भी कर सकता है, तो ये काफ़ी एक डेंजर मूव होता है। उसके साथ साथ पानी को और भी कई सारे घुसने के लिए जगह मिल जाते हैं, जैसे कि जहाँ से हम लोग ऑयल फिल करते हैं बाइक के इंजन में, वहाँ से भी पानी बहुत आसानी तरीके से घुस सकता है। उसी के साथ साथ हालांकि वो जगह टाइट होता है बट फिर भी पानी रिसने की समस्या कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कहीं से भी पानी रिस सकता है। उसी के साथ साथ इंजन में भी कई सारे ऐसे पार्ट्स होते हैं जहाँ से पानी घुस जाता है, जैसे कि कोई अगर इंजन पुराना अगर आपका है तो कहीं ना कहीं से तेल थोड़ा बहुत रिसता है, वैसे वैसे जगहों से या फिर बहुत ही माइनर जगह से पानी थोड़े बहुत अंदर घुस जाता है और वही पानी बहुत ज़्यादा डैमेज करते हैं। उसी के साथ साथ अगर बाइक कम टैंक की बात की जाए, फ्यूल टैंक की, तो वहाँ से भी बहुत ज़्यादा पानी चला जाता है। और दोस्तों, आप सबसे बड़ी प्रॉब्लम दिक्कत ये होती है कि अगर आपका टंकी फुल है तो आपको सारा का सारा पेट्रोल बर्बाद हो जाता है, या फिर अगर आप उसे फिल्टर कर पाते हैं तो काफ़ी अच्छी बात है, बिकॉज आपका जो यहाँ पर पेट्रोल आता है टैंक के अंदर उसमें पूरा का पूरा पानी मिक्स हो जाता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज करता है। उसके साथ साथ दोस्तों, बाइक में कई सारे ऐसे बॉल बेयरिंग्स वाले पार्ट्स होते हैं, फिर घिसने वाले पार्ट्स होते हैं जिस पर ऑयलिंग की रहती है, जैसे कि आपका सामने का फॉर्क देख लीजिए या फिर अगर आप चक्कों को देखें, चैन को देखें, तो दोस्तों ये सब जगह पर बेसिकली होता क्या है कि ये सब घिसने वाले पार्ट होते हैं, यहाँ पर कोई भी इन मेटल पार्टिकल्स पर कोटिंग नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ ऑयल होता है, क्योंकि जैसे यहाँ पर पानी चला जाता है तो दोस्तों इन सभी जगहों पर रश की समस्या काफ़ी बहुत ही जल्दी आ जाता है, मतलब रश। और उसका वजह से क्या होता है कि जिस टाइम आप बाइक चलाएंगे तो पूरा का पूरी तरीके से बाइक आपको जाम टाइप की लगेगी, बिकॉज यहाँ पर जितने भी आपका घिसने वाले पार्ट है, फ्रिक्शन वाले पार्ट, उन सभी फ्रिक्शन काफ़ी ज़्यादा जनरेट होने लगता है रस्टिंग के कारण। तो दोस्तों, ये सबसे एक बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है कि यहाँ पर आपकी पूरी बाइक एक तरीके से एकदम टाइट हो जाती है। तो दोस्तों, ये सभी तो बात हुई कॉन्सिक्वेंसेस के, ठीक है यार, तो बाइक मीन्स पानी में जाते हैं तो इतना भयानक तरीके से हमें डैमेज देखने के लिए मिल जाता है। अब यहाँ पर बात आती है कि अगर किसी की बाइक जाती है, अगर हमारे आपकी किसी की भी, तो ऐसे समय पर हमें क्या करना चाहिए, हमारा फर्स्ट मूव क्या होना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर जो सबसे पहला काम होता है वो तो ये है कि भाई साहब, आप पहले सबसे पहले पानी से अपने बाइक को बाहर निकाल लें, दो चार आदमी मिलकर, बिकॉज अकेले आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल
के लिए काम होता है। और बाइक जब बाहर आ जाती है पानी के, तो उसे स्टार्ट करें कि बिल्कुल भी कोशिश ना करें, उसके चाबी देकर इग्निशन वगैरह भी कुछ भी मत स्टार्ट कीजिएगा, गाड़ी को बंद ही रखें। बिकॉज आप जैसे ही गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, तैसे यहाँ पर दोस्तों पूरे के पूरे गाड़ी में इलेक्ट्रिक फ्लो चालू हो जाता है। तो दोस्तों ये हमें नहीं करना है, करंट फ्लो को चालू नहीं करना है, गाड़ी को बंद ही रखने दीजिए, वो सबसे ज़्यादा बेस्ट टेक्निक हो। उसी के साथ साथ आपको जो सबसे पहला यहाँ पर काम करना है, पहले तो आपको गाड़ी स्टार्ट नहीं करना है। दूसरी बात यहाँ पर कि आप ट्राई कीजिए कोई एक सूखा कपड़ा लेकर, कॉटन क्लॉथ लेकर बैटरी के अगल बगल वाले पार्ट को थोड़े बहुत क्लीन कर दीजिए। उसी के साथ साथ बैटरी की जो वायर है आप उसे सबसे पहले डिस्कनेक्ट कर दीजिए, और बैटरी के जो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स है उसे एक अच्छे सूखे कपड़े से थोड़ा बहुत साफ कर दीजिए पानी, ताकि एब्जॉर्ब हो जाए आपके कपड़े में, ताकि वो पर्टिकुलर एरिया वहाँ पर थोड़ा सा क्लीन हो जाए, ताकि यहाँ पर कुछ शॉर्ट सर्किट का आपको टेंशन ना रहे। उसी साथ दोस्तों जो तीसरा काम है वो बाइक के इंजन को एकदम मत स्टार्ट करने के लिए दीजिए। बिकॉज मोस्टली कंडीशन में देखा जाता है कि यहाँ जहाँ पर आप इंजन ऑयल डालते हैं उस जगह पर पानी पूरा भर जाता है। तो दोस्तों अगर ऐसे कंडीशन पर आप बाइक को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, तो अगर बाइक गलती से स्टार्ट हो भी जाती है तो आपके पूरे पूरे इंजन में वाटर सर्कुलेट कर जाएगा, जो कि इंजन को काफ़ी ज़्यादा डैमेज करेगा। बिकॉज बहुत सारे ऐसे ऐसे पार्ट्स होते हैं इंजन जिसे बहुत जल्दी खोला नहीं जा सकता, जहाँ पर सिर्फ ऑयल पहुँच पाता है, तो उस जगह पर आपका वाटर भी पहुँच जाएगा, जिसके कारण हो सकता है कि आने वाले समय में बाइक के इंजन की लाइफ मीन्स पूरे खत्म हो जाए। उससे आप जो सबसे आखिरी काम करना है वो ये है कि आपको अपने नियरेस्ट जो भी कोई भी मैकेनिक वगैरह उनके पास ले जाना, उन्हें बताना है कि ये कंडीशन है, वो सबसे बेस्ट काम होता है। आपको खुद से मैकेनिक यहाँ पर नहीं बनना है, बिकॉज आपको नहीं पता है कि एग्जैक्टली यहाँ पर क्या हुआ है, बाइक में कहाँ पर पानी गया है नहीं गया है, आपका एक मूव पूरा बाइक को बर्बाद कर सकता है। तो यहाँ पर यही सबसे बढ़िया बात होती है कि आप मैकेनिक को अप्रोच करें, या फिर अगर शोरूम अगर आपके नज़दीक है तो उन सभी के पास अप्रोच करें, खुद से हाथ या अपना दें, किसी एक्सपर्ट आदमी को इस चीज़ से डील करने के लिए दें, क्योंकि ये बहुत ही एक सेंसिटिव केस हो जाता है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, चैनल पर सब्सक्राइब करना, मिले अगले वीडियो पर कॉल टॉपिक साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, थैंक यू।